अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आपने इसको हफ्ते में दो बार ज़रूर अप्लाई करना है। मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी स्किन पर कैसी लगती है। अच्छा, बहुत अच्छी जो मैं आज आपके लिए फेस मास्क बना रही हूँ, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है, स्किन टाइटनिंग के लिए बेस्ट है, स्किन की डार्क सर्कल्स के लिए बेस्ट है, और जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, और छाइयों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी स्किन पे कैसा लगता है, ठीक है। इससे आपकी स्किन को सूट किया, इसको हर स्किन टाइप्स के लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चले जी, अब इसको बनाने का तरीका शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमने एक चम्मच ले लेनी है, ठीक है। इसको खोल के ये देखें, एक चम्मच के बराबर हमें मुल्तानी मिट्टी लेनी है। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास आलू का रस, ठीक है। आलू का रस ले लेना है हमने, ये देखिए, एक चम्मच हमने आलू का रस लेना है। उसके बाद एक चम्मच हमने रोज़ वाटर लेना है, ये देखिए, ये रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर के अंदर मैंने फूल डाले हुए हैं। मैंने आपको पहले भी इसकी वीडियो बनाकर बताई थी कि मैंने किस तरह से इनको इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद एक चुटकी हमने हल्दी डाली है। इसको आप यूज़ करें हफ्ते में दो बार, तीन बार, जितनी बार आपका दिल करे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत अच्छे इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। इसको गर्दन पे अप्लाई करें, फेस पे अप्लाई करें, 15 मिनट के लिए इसको अप्लाई करें। जब ये खुश्क हो जाए तो ठंडे पानी से आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अच्छा जी, इसको अप्लाई करने के बाद आपने ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है। मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।